दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी सरकारी जो कि पेमेंट रिसीव होता है आप हमारे या आपके बैंक में, तो उसका स्टेटस आप लोग खुद से देख सकते हैं इस वेबसाइट से PFMS। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पे नो योर पेमेंट्स है, तो यहां पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो यहां पे आप जो भी आपका बैंक है उसको डाल दीजिएगा। तो इसमें कुछ एरर आ रहा है, तो हम लोग इस एरर को जानेंगे कि कैसे हम लोग सही से अपना देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर डाल लेते हैं। डालने के बाद देख लेते हैं कि किस तरह का इशू हमें दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर है उसको हम डाल लेते हैं, और कौन सा बैंक है उसको हम लोग डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रल बैंक है, इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, और आपके पास जो भी अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अकाउंट नंबर भी हम लोग डाल लिए। उसके डालने के बाद कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सही कैप्चा है उसको डालने के बाद इस तरह का इसमें एरर आ रहा है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नोट फाउंड विथ द अकाउंट नंबर। हालांकि मैं मेरे पास जो अकाउंट नंबर यहाँ पे डाले हैं उसमें मेरे पास मोबाइल नंबर रजिस्टर है, तो इस तरह से एरर आ रहा है। तो इस एरर का सोल्यूशन आपको बताएंगे कि आप लोग भी इस सोल्यूशन से कैसे अपना सोल्यूशन को ख़त्म करके आप भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे हम आपको बता देते हैं, वह ऐप का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह ऐप का नाम है उमंग। उमंग ऐप में आप लोग डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल कर रजिस्टर कर लीजिएगा, और यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे सर्च बार में क्लिक कीजिएगा PFMS। आप जो गूगल पे डायरेक्ट PFMS सर्च करते थे उसको आप यहाँ पे इस ऐप में सर्च कीजिएगा, और यहाँ सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आप वहाँ पे जिस तरह से अकाउंट नंबर डालें और बैंक नेम डालें, तो यहाँ पे भी फिल आउट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो अकाउंट नंबर है उसको हम डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास जो अकाउंट नंबर है उसको डाल दिया, और जो बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो वहाँ पे डाले थे सेम यहाँ पे फिल आउट किए और सबमिट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा डिटेल है सब यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हैं कि जो नाम है यहाँ पे नाम आ गया, और मुख्यमंत्री पेंशन योजना है, आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कब का बैलेंस रिसीव हो गया। तो इस तरह से आप लोग भी आसानी से चेक कर सकते हैं, किसी भी पर्सन का आप देख सकते हैं कि कहाँ से बैलेंस आया और किस किस डेट में आया, तो इस तरह से आप स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना, फिर मिलेंगे आपसे वीडियो में, तब तक देखते रहते हैं हमारे चैनल को। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सकता है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।